अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय सीक्रेट्स रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में आपको मक्की की रोटी बनाना बताऊंगी कि इजी वे में कैसे बनाते हैं। एक कप आटा लेंगे मक्की का और नीम गर्म पानी से हम इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी आप चेक करने का तरीका ये है कि आप अपनी जो है फिंगर उसमें डिप करें कि वो बर्दाश्त कर ले इतना पानी गर्म हो, तो उससे अच्छी तरह आप 2-3 मिनट के लिए इसको गूंदें। अच्छी तरह से गूंद लें इसको और इसकी वो डो सी बन जाएगी। फिर आप ये देख रहे हैं कि इसकी कंटेंसी कितनी होनी चाहिए ना, तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक करें, इसको शेयर करें। तो अब ये है कि इसको आपने अच्छे से गूंद लेना है। 3-4 मिनट में ये ऐसा हो जाएगा, गूंद के इसकी डो बना लें। फिर इसकी एक शॉपर लें, उसके जो ऊपर से हैंडल है वो कट कर लें आप, और जो उसकी बैक साइड है वहाँ से भी कट कर लें। जब ये कट हो जाएंगे फिर साइड से, इसके दोनों साइड से जो है वो आपने बारी बारी इसको कट कर लेना है, और ये फिर 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा और 1 पीस हमें इसका चाहिए। इसको राउंड में कटिंग कर लें आप, अच्छे से कटिंग कर लें, जो फालतू है वो कट जाएगा। और इसके ऊपर खुशक आटा जो है गंदम का वो आप छिड़क लें, और एक नॉर्मल साइज़ का जो है वो पेड़ा बना लें आप इसका, और अच्छे से इसको राउंड आप इसको घुमा के बना लें, और हाथ से इसको थोड़ा सा फिर आप इसको चपटा करें। चपटा करने के बाद आप इसको राउंड इसके ऊपर जो है घुमाएंगे, और इससे बड़ी खूबसूरत सी ये जो है आपकी रोटी बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल राउंड बनेगी और पतली बनेगी, और फिर आप फ्लेम पे एक साइड पे आपने जो है वो तवा गर्म होने के लिए रख देना है, और उस पर आप इस तरह पलट देंगे। और इस पर आप जो है अब इस पर ऑयल डालें, और फ्लेम जो है आपने मीडियम कर लेनी है। फिर जब मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए आप इसको पकाएंगे तो बड़ा अच्छा सा कलर इसका जो है वो आएगा, और इसको आप पलट दें। इस तरह से आप नाइफ की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा आप इसको करेंगे, और फिर आप इसको पलट दें। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया तो हम इसको फिर प्रेस करेंगे और वो जुड़ जाएगा। दोनों साइड से आपने इसी तरह हल्का हल्का सा इसको आपने घुमा के, और ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।